हेलो गाइस, वेलकम टू यम यम इंडिया। आज हम लोग आए हैं सेक्टर 13 करनाल में रॉयल डोसा पे। ये ओल्ड हाउसिंग बोर्ड की बैक साइड पे है करनाल में। इनका पानी पूरी और पिज़्ज़ा डोसा काफ़ी फेमस है, तो आज हम लोग ट्राई करते हैं। पानी पूरी और पिज़्ज़ा डोसा बना दो भैया। ये डोसा बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पानी पूरी और पिज़्ज़ा डोसा बनवा रहे हैं आज हम। सुनने में डिफरेंट नेम लगते हैं काफ़ी, तो हमने सोचा क्यों ना आज ट्राई किया जाए। अभी न्यू ही ओपन हुई है ये शॉप। कितने टाइम से ओपन हुई है ये शॉप? इसको 20 डेज हुए हैं और ओपन हुए हैं। अच्छा, रिसेंटली अभी ओपन किए इन्होंने, 20 डेज ही हुए हैं ओपन हुए हुए। ये किस चीज़ का मिक्सचर है भैया? ये उपमा है साहब। उपमा? वाओ, ये उपमा का मिक्सचर यूज़ किया है इन्होंने, जो कि वैसे ही बहुत हेल्दी होता है और नीचे बेस भी इसका हेल्दी ही है अभी तक तो। और ये चटनी और ये मसाला, ये कारम पूरी मसाला है, कारम पूरी मसाला है, स्पेशल हैदराबादी मसाला है ये इनका। और ये क्या है, बटर यूज कर रहे हैं आप? अमूल बटर, अमूल बटर यूज कर रहे हैं। क्या बात है गाइस, वाह वाह वाह। देखने में ही गाइस कितना सुंदर लग रहा है, और फ्लेवर सारे हैं मसाले के जो इन्होंने हैदराबादी मसाला यूज किया है, उसके बहुत बढ़िया फ्लेवर सारे हैं। देखने में भी बहुत डिलीशियस लग रहा है गाइस। आप भी कभी करनाल आए यहाँ पे तो जरूर ट्राई कीजिएगा। सेक्टर 13 करनाल में है ये, रॉयल डोसा के नाम से ये चीज है। और ये चीज की बारिश हो रही है। कौन सा मोजरेला चीज है या नॉर्मल पनीर है? नहीं, ये मोजरेला चीज, मोजरेला चीज यूज कर रहे हैं। ये पिज्जा वाला है, पिज़्ज़ा। ये गाइस जो है, ये जो बन रहा है ये पिज्जा डोसा बन रहा है, और वो जो है पानी पूरी डोसा बनेगा। ये पनीर है और ये पनीर यूज कर रहे हैं गाइस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया स्टफिंग हो चुकी है पिज्जा की, बस वेट हो रहा है बनने का इसका। और ये कोरिएंडर, धनिया, देखिए गाइस। ये ओरिगैनो, और ये ओरिगैनो यूज कर रहे हैं पिज्जा का फ्लेवर देने के लिए। चिली फ्लेक्स, और ये चिली फ्लेक्स, पूरा पिज्जा जैसी इन्होंने टॉपिंग कर दी है, मोजरेला चीज, पनीर, ओरिगैनो और ये चिली फ्लेक्स डाल दिए। ऊपर से लुक भी पिज्जा जैसी आ रही है। कितने साल से डोसा बना रहे हैं भैया? 6 साल से सर। 6 साल से डोसा बना रहे हैं भैया। बट ये शॉप अभी ओपन हुई है न्यू दिसंबर में ही। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा गाइस यहाँ पे आए तो। और ये डिफरेंट स्टाइल में कटिंग कर रहे हैं इसकी डोसा की, क्या बात है, वेरी नाइस। और ये इन्होंने डोसा को पिज्जा की तरह कटिंग करके सर्व किया है। यूनिक वे है, डिफरेंट वे है गाइस, वेरी नाइस। क्या बात है गाइस, देखिए मजा आ गया गाइस देख के। डोसा को पिज्जा की तरह सर्व कर रहे हैं ये, और टॉपिंग भी इन्होंने पिज्जा जैसी की है, बहुत ही बढ़िया। देखिए गाइस, पिज्जा डोसा रेडी हो गया हमारा। इन्होंने डोसा को पिज्जा स्टाइल में सर्व किया है, क्या बात है गाइस, अल्टीमेट। आप लोग भी कभी आए तो यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, मैं ट्राई करता हूँ अब। और ये पानी पूरी डोसा बन रहा है, ये भी यूनिक स्टाइल में सर्व कर रहे हैं इसको। रोल्स बना के इन्होंने खड़े कर दिए हैं इस पे,
इसको पानी पूरी डोसा बोलते हैं। ये अब ऊपर से पनीर ग्रेट कर रहे हैं गाइस। ये पानी पूरी डोसा है, पानी पूरी डोसा। ये हमारा पानी पूरी डोसा रेडी है गाइस। इसमें चटनी अंदर सर्व करके आप उठा के खा सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ से उठाया है। इसमें चटनी को पानी की तरह भर के आप खा सकते हैं, तो ये पानी पूरी डोसा है, अल्टीमेट है। आप भी कभी आए तो गाइस सेक्टर 13 करनाल में रॉयल डोसा पे जरूर विजिट करना है खाने के लिए। ये दोनों डोसा इन्होंने रेडी किए हैं। अंटिल देन गाइस टेक केयर, सी या बाय बाय।